हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को किस तरह से विंडोज़ पीसी में या अपने लैपटॉप में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, अपने मैसेजेस एक्सेस कर सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह एक्सेस कर सकते हो, इवन आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं मोबाइल फ़ोन में वो भी आप ईज़िली यूज़ कर पाओगे और अपने लैपटॉप से कॉल भी कर पाओगे और कॉल रिसीव भी कर पाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने लैपटॉप में फ़ोन लिंक है इसको आपको ओपन करना है। ठीक है, और मोबाइल में आपको क्या करना है वो मैं आपको मोबाइल में जाके आपको बताता हूँ। अगर आपके पास में सैमसंग मोबाइल है तो आपके पास में एक स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा लिंक टू विंडो, इसको आपको क्लिक करना होगा, मतलब इसको ऑन कर लेना है और विंडोज़ में फ़ोन लिंक ऑन कर लेना है और उसके बाद कनेक्ट करोगे तो आपका फ़ोन जो है विंडोज़ के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ नहीं करते तो ये एक एप्लीकेशन है लिंक टू विंडो नाम से, इंस्टॉल कर लेना है और इसको जैसे ही आप ओपन करोगे इसको ऑन कर लेना, उसके बाद में फ़ोन जो है अपना कनेक्ट करके देखना लैपटॉप से, इजीली आपका कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो है आप अपने फ़ोन के मैसेजेस, फ़ोटोज़ और जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो और फ़ोन कॉल भी कर पाओगे और कॉल रिसीव भी कर पाओगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.